जबलपुर जिले के बरगी में 15 दिन से चल रहे नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी, अस्पताल चालू करने, हरदुली सहित 16 ग्रामों को राजस्व का दर्जा देने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जबलपुर एसडीएम के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों ने मंगलवार को मांग पूरी न होने की स्थिति में बरगी बांध की बाई तट नहर के पानी को रोकने की चेतावनी दी थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन से सीएसपी बरगी टीआई रितेश पांडे, राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार सुषमा ध्रुवे अपने अमले के साथ कार्यक्रम स्थल में सुबह से डटे रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बरगी बांध के मार्ग पर बैरिकेटिंग लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। बरगी थाना प्रभारी रितेश पांडे एवं बरगी नायब तहसीलदार सुषमा ध्रुवे की कुशल प्रशासनिक रणनीति एवं सजगता से आंदोलनकारियों को समझाइश दी गई और उन्हें रोककर उनकी गिरफ्तारी बरगी तहसील कार्यालय में की गई। पूरा बरगी चरवा क्षेत्र पूरे 16 दिनों से यहां धरने में बैठा है। 6 बिंदुओं को लेकर के हमारी मांग जो थी वो 6 बिंदुओं में थी, किंतु सबसे ज़्यादा बड़ी मांग हमारा है बड़ादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना, जिसमें 168 गांव शामिल हैं। हम लोगों की मांग को लेकर के जिला प्रशासन आज एसडीएम महोदय यहां आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांग को हम पुनः भोपाल तक भिजवा देंगे विभाग में, और कलेक्टर महोदय से